लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जितना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में उनकी अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास कभी नहीं होता है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिरा रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका आदत है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जब भी आप दुखी हो जाते हो तो उसकी सिर्फ एक वजह है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता, क्योंकि कि यह जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे दोस्तों, चाहते आपकी है, ख्वाहिशें भी आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अरे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी का दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके सामने दिखाई दे। अपने दिमाग को टेंशन में मत रखो कि मुझे यह नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो चाहिए। अरे भाई, अगर रोना आ भी रहा है तो रो लो, मन को हल्का कर लो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर पूरी एनर्जी से बोलो, बस अब बहुत हुआ, अब मुझको आगे बढ़ना है, अभी तो मैंने ठीक से जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट करके इकट्ठा करना है और एक जगह पर फोकस करना है। और याद रहे, फोकस आपने जिंदगी में करना है, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओगे। लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रखोगे तो आज नहीं तो कल मंजिल को जरूर पाओगे। रास्ते में एक नहीं हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। जिंदगी में बहुत लोग आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, देखना एक दिन मंजिल आपके सामने दिखाई देगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।